2024 यानी कि लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से ही एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। जनता को बहलाने के लिए अलग अलग पैंतरे अपनाए जा रहे हैं और अब तो पीएम मोदी को हराने के लिए यानी कि 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी लेने के लिए विपक्ष एकजुट होने का एक बार फिर से प्लान बना रहा है। अरविंद केजरीवाल अलग जुटे हुए हैं इस मुहिम में, लोगों को एकजुट करने के लिए, सभी विपक्ष को एकजुट करने के लिए इस मुहिम में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार भी इस मुहिम में जुटे हुए हैं, वो भी विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ खास असर नहीं दिखाई दे रहा। इसी बीच आम आदमी पार्टी का पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान सामने आ गया है। क्या कुछ कहा है आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि अगर विपक्षी दल 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एक साथ नहीं आते हैं तो संभव है कि देश में अगली बार चुनाव ना हो। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि अगर नरेंद्र मोदी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाते हैं तो संभावना है कि वो संविधान में बदलाव कर सकते हैं और खुद को देश का राजा घोषित कर सकते हैं जब तक वो जीवित है। यानी कि किसी के मन में खौफ हो ना हो लेकिन आम आदमी पार्टी के मन में पीएम मोदी को लेकर खौफ साफ दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी डरी हुई है तभी इस तरह की बयानबाजी कर रही है। आम आदमी पार्टी को इस बात का खौफ है कि अगर पीएम मोदी 2024 में प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो हो सकता है कि जब तक वो जीवित रहे तब तक पीएम बने रहे। तो आखिर क्यों आम आदमी पार्टी इतनी डरी हुई है, इस सवाल का जवाब आप आखिर में जरूर दीजिएगा। विपक्षी दल क्या एकजुट हो पाएंगे इसका भी आप खबरों के आखिर में जरूर दीजिएगा जवाब। लेकिन उससे पहले अभी खबर बाकी है, आम आदमी पार्टी ने आगे भी बहुत कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भारद्वाज के दावों को मूर्खतापूर्ण आरोप बताते हुए खारिज कर दिया। बता दें कि पटना में 23 जून को होने वाले विपक्ष के सम्मेलन में आपके एजेंडे के बारे में पूछे जाने पर भारद्वाज ने कहा, अब बड़ा मुद्दा यह है कि अगर विपक्षी पार्टियां साथ आकर 2024 का चुनाव नहीं लड़ती हैं तो हो सकता है कि चुनाव ना हो देश में अगली बार। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विपक्ष को हुक या बदमाशी से रौंद रही है। जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी और आईटी के छापे मारे जा रहे हैं और उन्हें सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, ऐसी संभावना है कि अगर नरेंद्र मोदी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो संविधान को बदल देंगे और घोषणा करेंगे। भारद्वाज ने दावा किया कि जब तक वो जीवित हैं वो इस देश के राजा रहेंगे और इस देश की स्वतंत्रता जिसके लिए अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी हो जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आयोजित विपक्षी दलों की 23 जून की बैठक में भाजपा विरोधी खिलाड़ी लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाएंगे। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भारद्वाज के दावों को मूर्खतापूर्ण और बचकाना करार दिया है। उन्होंने कहा, भारद्वाज को बचकाने आरोप लगाने की बजाय ये बताना चाहिए कि उनकी पार्टी उन पार्टियों और राजनीतिक नेताओं को भी गले लगाने के लिए इतनी उतावली क्यों है जिन्हें केजरीवाल गाली देते थे और भ्रष्ट होने का आरोप लगाते थे। वीरेंद्र सचदेवा का इशारा कांग्रेस की तरफ भी जा रहा है क्योंकि केजरीवाल ने कांग्रेस पर भ्रष्ट होने के आरोप लगाए हैं। एक समय था जब केजरीवाल कांग्रेस को पानी पी पी कर गाली देते थे लेकिन अब कांग्रेस से भीख मांग रहे हैं, यानी कांग्रेस से हाथ फैलाकर ये कह रहे हैं कि वो उनके साथ आ जाएं। तो वीरेंद्र सचदेवा का इशारा इस तरफ भी जा रहा है और अब आपको आगे बताते हैं। इसके अलावा भारद्वाज ने आपके घोषणा पत्र से कथित रूप से विचारों की नकल करने के लिए कांग्रेस पर भी निशान साधा और इसे नकल करार दिया। देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न केवल नेताओं का संकट है बल्कि विचारों का भी संकट है। पानी और बिजली से संबंधित उनकी कल्याणकारी योजनाओं और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए अरविंद केजरीवाल और आपका मजाक उड़ाने के बाद ये अब हमारे विचारों की नकल कर रहा है। उन्होंने कहा, सेवा मामलों को लेकर दिल्ली में आप सरकार और केंद्र के बीच खींचतान के बारे में पूछे जाने पर भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी में चुनी हुई है, सरकार के काम को रोकना चाहती है। अधिकारियों के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं को रोकने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के अस्पतालों के माध्यम से निजी अस्पतालों में सर्जरी रोकी जा रही है और जे क्लस्टर में रहने वाले लोगों को उखाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि अचानक नहीं हो रहा बल्कि केंद्र के निर्देश पर एक साजिश के तहत हो रहा है। 2024 इतना बड़ा चुनाव होने वाला है और वैसे बयानबाजियां आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ना शुरू हो तो फिर तो राजनीति बेकार है। तो क्या आम आदमी पार्टी को लेकर जो मैंने आपसे शुरुआत में सवाल पूछे उसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।